टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार के बाद से ही टीम पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद से BCCI टी20 के पूरे फॉर्मेट को बदलने की तैयारी में जुट गई है। टी20 के कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या को उतारने की बात सामने आ रही है, लेकिन टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI एक बार फिर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया के साथ जोड़ना चाहती है। ICC टूर्नामेंट में टीम इंडिया को किस तरह क्रिकेट खेलना चाहिए, इसको लेकर MS धोनी के हाथ में जिम्मा सौंपा जा सकता है। MS धोनी को T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी बतौर मेंटोर टीम इंडिया के साथ जोड़ा गया था, लेकिन वो सिर्फ एक टूर्नामेंट की बात थी और अचानक ऐसा होने पर कोई बड़ा असर भी नहीं दिखा था। लेकिन इस बार बात परमानेंट तरीके से हो रही है, ताकि 3 ICC टूर्नामेंट जीतने वाले इकलौते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया का मार्गदर्शन कर सके। सूत्रों के मुताबिक MS धोनी IPL 2023 के बाद IPL को अलविदा कह सकते हैं। ऐसे में उनके पास वक्त होगा और BCCI उनसे T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के साथ काम करने को कह सकती है। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप हारे अभी कुछ ही दिन हो रहे हैं और अचानक हलचल तेज होने लगी है। एक तरफ हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ MS धोनी की वापसी की खबरें जोरों में हैं। आपको बता दें कि भारत ने आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप 2007 में और आखिरी बार कोई ICC ट्रॉफी साल 2013 जीती थी। दोनों ही समय में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।